माँ कैसी है? दवाई दी है हमने, 2 घंटे के बाद फिर से देनी है। क्या हुआ? कुछ नहीं। क्या बात है? कर गुस्सा आ रहा है अपने आप पे। माँ के साथ जो कुछ भी हुआ, संस्कार के साथ जो कुछ भी हुआ, सब मेरी गलती है। हर बार तुमने मुझे बताने की कोशिश की, लेकिन मैं तुम्हारी बात का यकीन ही नहीं करता। इसमें आपका कोई दोष नहीं है करण, वो हालात ही कुछ ऐसे थे। उन हालातों में कोई और भी होता तो वही करता। करण, हमें अब सब कुछ भूलकर सिर्फ एक बात का ख्याल रखना है। जैसे बचपन में माने आपका, विमल भैया, वीर भैया, कनिका, आप सबका ख्याल रखा, अब हमारी बारी है। हमें माँ का बच्चों की तरह ख्याल रखना है। वैसे भी सब कहते हैं ना, माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं बिल्कुल बच्चे जैसे हो जाते हैं। हम उनका ख्याल रखेंगे, यही हमारी जिम्मेदारी है। और बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक हो जाएंगे, तुम देखना, माँ बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। माँ? हाँ माँ। आबा, समधन जी की तबीयत कैसी है? वो होश में आई क्या? जी, होश तो आ गया है माँ, पर उन्हें कुछ याद नहीं है। बचपन की कुछ बातें याद है और बच्चों के जैसा बर्ताव कर रही हैं। आभा, बेटा तुम हिम्मत मत हारना, हम कल ही आके तुमसे मिलते हैं। भगवान ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा, ठीक है? जी माँ, रखते हैं। सब ठीक है? ये सब अब वो छोड़ दीजिए, खाना खा लेते पहले, बाद में खेलिएगा। मुझे नहीं खाना। माँ देखिए, हमने अपने हाथों से बनाया है, एक बार टेस्ट कर लीजिए। दाल चावल रोटी सब्जी बहुत टेस्टी है। नहीं खाना है मुझे। देखिए माँ कितनी अच्छी रोटी सब्जी। माँ अच्छा ठीक है, हमारे हाथों से खा लीजिए। लीजिए एक बार माँ, प्लीज माँ। ठीक है, अगर आप अभी नहीं खाएंगे ना तो हम आपसे कभी बात नहीं करेंगे। लास्ट टाइम लीजिए। नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए। ठीक है मत खाइए। माँ
सॉरी सॉरी, ये लीजिए, खेलिए खेलिए, इसे खेलिए। प्रतिभा, अच्छा किया ना मैंने, उसके ऐसा करा नहीं खाया। बहुत अच्छा किया, आज के बाद मैं वही करूंगी जो तुम कहोगी। बहुत अच्छी हो। इस तरह तो वही होगा जो मासी चाहेगी। पहले तो यशोधरा का डर था, लेकिन अब समधन जी की जो हालत है, आभा को बहुत सतर्क रहना पड़ेगा। हमें पूरा भरोसा है आभा पर। आज तक बड़ी से बड़ी तकलीफों से अकेले ही जूझती आई है वो, और हम पूरे यकीन से कह सकते हैं कि आगे भी जीत उसी की होगी। इसलिए आप बिल्कुल चिंता ना करें। और नहीं तो क्या, एक तरह से अच्छा ही हुआ कि वकील साहब की एक बीवी बच्चे जैसी हो गई, वरना दो दो को कैसे संभालते वो। करण, देखिए हमने आपके लिए आपकी फेवरेट खीर बनाई है, जैसे माँ बनाया करती थी। हाँ दो, मैं खाना चाहता हूँ। और जानते हैं इसमें आपकी फेवरेट किशमिश डाली है हमने, आपको बहुत पसंद है ना। बहुत पसंद है, मैं इसे पूरा खाऊंगा। दो चखिए, देखिए कैसी बनी है। ये तो बहुत अच्छी है, मैं पूरी कटोरी खाना चाहता हूँ, दे दो। अच्छा आप जानते हैं, सबसे पहले ये खीर जो फिनिश करेगा, उसे एक सरप्राइज गिफ्ट मिलेगी। वो गिफ्ट तो मुझे ही मिलेगा, दो। सरप्राइज गिफ्ट, गिफ्ट पता है? नहीं मिलेगा। मैं फर्स्ट आऊंगी। अरे लाइए हम खिला देते हैं। थैंक्स करण। आपने हमें बताया कि माँ को खीर पसंद है। मैं जानता हूँ माँ के खाने को लेके तुम कितना परेशान रहती हो पापा। माँ खाना नहीं खाती तो शायद तुम भी नहीं खाती। और एक काम और आसान हो गया है, सवाल है सिर्फ आभा का। हम दोनों को मिलकर उसे बीच से हटाना पड़ेगा। मैडम, दादी माँ के रूम में साफ सफाई करते हुए तिजोरी की चाबी मिली। Thank you.
शेखरम कृपाकरम नारदाद योगि वृंद वंदितम दिगंबरम काशिका पुरादिनाथ काल भैरवम भजे भानुकोटि वासरम भवामि नारगंबरम नीलकंठ विद्युतार्थदायकम त्रिलोचनम काल कालम। आप हमसे कभी जीत नहीं पाएंगे मासी जी। माँ के ठीक हो जाने के बाद ये चाबी हम उन्हीं को देंगे, क्योंकि इन पर सबसे पहला हक उनका है। अच्छा ठीक है बेटा, कोशिश करके देख ले। ये दावा है मेरा, बहुत जल्द ये चाबियां मेरे पास होंगी। तेरे सामने। अगर ऐसी बात है तो आप अपना पूरा जोर आजमा कर देख लीजिए, पर एक बात याद रखेगा मासी जी, झूठ दलदल की तरह होता है, कोई भी उस पर ज्यादा देर खड़ा नहीं रह पाता, और सच की जमीन पहाड़ की तरह अटल होती है। कोई उसे हिला नहीं पाता। उठिए संस्कार, आपकी दवाई का टाइम हो गया। I'm sorry सानिया, मैं तुमसे अपनी देखभाल करा रहा हूँ, और तुम्हारी इस हालत में मुझे तुम्हारी देखभाल करनी चाहिए। मैं लगता है मुझे नहीं पता कि तुमने अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा, चक्कर खा के गिर गई और सर पे भी चोट लगी है। आप मेरी बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, घर पे मेरा ख्याल रखने के लिए बहुत सारे लोग, आप पहले दवाई ले लीजिए। संस्कार बेटा, प्रतिभा जी की जान बचाकर तुमने अपनी पिछली सारी गलतियों का प्रायश्चित कर लिया। चाचा जी, आपने मुझे माफ कर दिया, मेरे लिए इसे खुशी की बात और क्यों हो नहीं सकती। तो सिर्फ इस बात का है कि इस वक्त मैं आपके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं देख सकता, लेकिन एक बात और है जिसका बोझ अब मैं सह नहीं सकता, और ये बोझ तब तक नहीं हटेगा जब तक मैं सानिया को बता नहीं देता जिस इंसान से वो इतना प्यार करती है, जिस इंसान की वो इतनी सेवा कर रही है, वही उसके पिता की मौत का जिम्मेदार है। संस्कार आप क्या सोचने लगे, आप दूध लीजिए ना। मैं सोच रहा था इसमें किसी की कोई गलती नहीं है, ये सजा मुझे मिली है मेरी गलतियों की, मेरे पापों की। संस्कार बेटा, सब ठीक हो जाएगा, तुम फिर से घर की सारी जिम्मेदारियां निभा पाओगे, और फिर प्रकाश की शादी की तैयारियां भी तो तुम्हें ही करनी है। प्रकाश भाई की शादी हो रही है? हाँ, पंडित जी का फोन आया था, शाहजापुर से जो रिश्ता आया था वो पक्का करने के लिए वो लोग आ रहे हैं आज घर। बस बेटा, थैंक यू। अरे आभा बेटा, ये क्या सन्यासी वाला खाना खिला रहे हैं? इन्हें आलू के पराठे पसंद है, मैंने बड़े प्यार से बनाए, लीजिए जी खाइए। पर मासी, इन्हें आलू के पराठे नहीं। आलू के पराठे तो मुझे भी बहुत पसंद है, मासी मुझे भी दीजिए ना। अच्छा तू भी खा। यशोधरा, अब तुमने आलू के पराठे बना ही लिए हैं तो मैं चख तो जरूर लूंगा, लेकिन भावा ने जो मुझे स्प्राउट्स दिए वही मेरे लिए अच्छी। ठीक है जी, जैसी आपकी मर्जी। मैं बैठूंगी, मैं बैठूंगी, मैं यहाँ बैठूंगी। अरे प्रतिभा, वहां माँ
आप यहीं बैठेंगे। इस जगह पर सिर्फ आपका हक है। हाँ हाँ, तेरा ही हक है, तू ही बैठ, मैं कहीं और बैठ जाती हूँ। बिस्किट चाहिए, बिस्किट बिस्किट बिस्किट। मुझे एक जरूरी काम याद आ गया, मुझे जाना होगा, केस तैयार करना है, मैं निकलता हूँ। कहाँ जाना है? मैं भी करूंगी। माम, पापा ऑफिस जा रहे हैं। प्रतिभा, मैं काम खत्म करके आता हूँ। प्रशांत की गाड़ी ले चलूँगा, प्रशांत की गाड़ी। माँ, हम आपको ले जाएंगे। नहीं बाबा, इन्हें मैं ले जाऊंगा। ठीक है, पापा आपको प्रशांति गार्डन्स ले जाएंगे, पर सबसे पहले आपको नाश्ता फिनिश करना होगा। नहीं, खाएंगे मैंने पूरा नाश्ता खत्म करना, मैं काम खत्म करके आता हूँ, फिर हम चलेंगे प्रशांति गार्डन्स। मेरा अगर तुम्हारा नाश्ता हो गया तो आप मेरे साथ। हाँ बैठो, ठीक है, पूरा नाश्ता खत्म करना। आभा, वो मुझे कुछ शॉपिंग करनी थी तो कुछ पैसे चाहिए, तिजोरी की चाबी दे दो। चलिए भाभी, हम आपको पैसे निकाल कर दे देते। क्यों, अब मुझ पे इतना भी भरोसा नहीं है तुम्हें? कि तुम चाबियां मुझे नहीं दे सकते? नहीं भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो कैसी बात है? बात भरोसे की नहीं है शैली, बात जिम्मेदारी की। दादी माँ ने तिजोरी की जिम्मेदारी आभा को दी, तो उसे अपनी जिम्मेदारी निभाने दो। तुम्हें पैसे चाहिए ना, जाओ आभा के साथ जाओ और जाकर पैसे ले लो। आभा, इफ यू डोंट माइंड, तुम्हारे सामने तो तिजोरी खोल सकती हूँ ना। अरे भाभी, आप बड़ी बहू हैं, लीजिए। एक मिनट, सच ये बहुत जिम्मेदारी का काम है
और इस घर की जिम्मेदार बहू के हाथ में ही ये चाबियां होनी चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू। जी मैम।